साथियों, तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है। और ऐसा पिछले 60 सालों में भारत में नहीं हुआ था। भारत की जनता ने ये जो नया मैंडेट दिया है उसके मायने बहुत है और बहुत बड़े भी हैं। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ना है। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। साथियों, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। आजादी के आंदोलन में करोड़ों भारतीयों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था। उन्होंने अपना हित नहीं देखा, अपने कंफर्ट जोन की चिंता नहीं की, वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूलकर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे। उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला, किसी के शरीर को गोलियों से भून दिया गया, कोई यातनाएं सहते हुए जेल में ही गुजर गया, कईयों की जवानी जिंदगी जेल में खप गई। साथियों, हम देश के लिए मर नहीं पाए, लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं। मरना हमारे नसीब नहीं था, जीना हमारे नसीब है। पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एकदम क्लियर रहा है।
मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तय किया सुराज और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पूरे देश में घूमता रहा, भटकता रहा, जहां खाना मिला वहां खा लिया, जहां सोने को मिला वहां सो लिया, समंदर के किनारे से लेकर पहाड़ों तक, रेगिस्तान से लेकर बर्फीली चोटियों तक मैं हर क्षेत्र के लोगों से मिला, उनको जाना समझा। मैंने अपने देश के जीवन, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की चुनौतियों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी दिशा कुछ और तय की थी, लेकिन नियति ने मुझे राजनीति में पहुंचा दिया। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और बना तो गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गया। 13 साल तक गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा, इसके बाद लोगों ने प्रमोशन देकर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन दशकों तक देश के कोने में जाकर मैंने जो सीखा है, उसी ने चाहे राज्य हो या केंद्र, मेरे सेवा के मॉडल को, मेरे गवर्नेंस के मॉडल को इतना सफल बनाया है। पिछले 10 साल में इस गवर्नेंस मॉडल की सफलता आपने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, और अब देश के लोगों ने बहुत बड़े भरोसे के साथ मुझे ये तीसरा टर्म सौंपा है। ये थर्ड टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ रहा हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, रोज नए कीर्तिमान, हर रोज नई खबर। आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है, चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है।